भी है जुना भी है सफर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो मैं VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट में आना है और गाइज यहाँ से आपको ये वाला वीडियो ऐड कर लेना है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर ले। उसके बाद आपको सिंपली एरो वाले आइकन पे क्लिक करना है, ओरिजिनल में क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9x16 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो में क्लिक करना है, जिससे कि वीडियो का ऑडियो बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करना है। अब आपको जहाँ तक लिरिक्स है वहाँ तक वीडियो को कट कर लेना है। तो गाइज आपको वीडियो को 3:50 सेकंड में स्प्लिट कर लेना है कैच वाले आइकन पर क्लिक करके। तो गाइज हमारे वीडियो के 2 पार्ट हो चुके हैं, तो आपको सेकंड वाले पार्ट को डिलीट कर देना है और ये ब्लैक लेयर को भी आपको डिलीट कर देना है। अब गाइज आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पे क्लिक करना है, फ़ोटो पे आना है। उसके बाद आपको कोने में सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन को 0.50 सेकेंड सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार। उसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ से आपको अपने 7 से 8 फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली एरो वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब गाइज आपको आगे आना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है और म्यूजिक को ड्यूरेशन को आपको जहाँ तक बढ़े वहाँ तक बढ़ा लेना है। और गाइज आपको लास्ट वाले फ़ोटो का ड्यूरेशन म्यूजिक तक रख लेना है। अब गाइज आपको किसी भी एक फ़ोटो पे आना है, एफएक्स पे क्लिक करना है और इसमें आपको जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके ये सभी में आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले वीडियो में आना है, एफएक्स में क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको नन पे क्लिक करके रिमूव कर देना है। तो गाइज हमारा वीडियो बन के हो चुका है तैयार, तो मैं सिंपली आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और राइट में क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।